हेलो प्यारे विद्यार्थियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग आज बात करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट अपडेट की। ठीक है, इम्पॉर्टेंट अपडेट के बाद साथ साथ एक मैं एसएससी की नोटिस दिखाऊंगा जो एसएससी की तरफ से जारी की गई है सीएचएसएल एग्जामिनेशन को लेके, तो उस नोटिस को आप लोग ज़रूर देखिएगा। बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको इम्पॉर्टेंट अपडेट देने स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट अपडेट यही है बच्चे प्यारे विद्यार्थियों कि आपको अनअकैडमी प्लस से जुड़ने का बेहतरीन मौका है। 2024 की जितनी भी तैयारी है एसएससी की, वो यहाँ से आप कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से। पहला जो तैयारी है वो आपके बच्चे, वो है आपकी एसएससी सीजीएल 2024 की। ठीक है, सीजीएल 2023 का जो है वो मेंस की तैयारी आप यहाँ पे कर सकते हैं। सीजीएल 2023 की तैयारी आपके यहाँ पर कर सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों। एमटीएस 2023 की तैयारी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो आपके पास एग्ज़ामिनेशन बहुत हैं और उन सभी एग्ज़ामिनेशन को बेहतरीन तरीके से जानने, बेहतरीन तरीके से समझने और बेहतरीन तरीके से उसका जो है एग्ज़ाम में परफॉर्म करने के लिए आप अनअकैडमी प्लस से की सहायता ले सकते हैं। यहाँ पे जो भी एजुकेटर हैं बच्चे, वो आपको बेहतरीन तरीके से अपने आपको पढ़ाएंगे ताकि आपकी कहीं से भी कोई चीज़ छूट ना जाए। और अगर मैं बात करूँ, 50% डिस्काउंट है। अगर आप 12 अगस्त से पहले आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करते हैं तो आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही 4500 रुपये जो है वो आपकी फ़ीस है, तो इन 4500 रुपये फ़ीस में आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। डिस्काउंट कोड PMYT यूज़ करना। PMYT डिस्काउंट कोड जो है वो पूरे अनअकैडमी पे वैलिड है। ये एसएससी के लिए ही नहीं बल्कि यूपीएससी, बैंक, रेलवे, सीडीएस, एनडीए, स्टेट पीसी, आईआईटी, नीट और बहुत सारे एग्जामिनेशन जो कि अनअकैडमी पे से तैयारी कराए जाते हैं, सभी कैटेगरी में PMYT डिस्काउंट कोड यूज़ कर सकते हैं फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। तो अगर मैं बात करूँ प्यारे विद्यार्थियों आपके लिए टेस्ट की, तो 13 अगस्त को होने वाला है ये फुल लेंथ टेस्ट, जिसमें आप अपनी तैयारी की जाँच कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन आप जो है बूस्ट कर सकते हैं। जैसे आपको मान लीजिए आपकी कमियों की का को बता देता है अगर कोई, तो आप अपने उस कमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे, तो ये टेस्ट आपको आपकी कमियां बताएगा कि किस सेक्शन में आपकी कमी है और किस सेक्शन में आपको और अभी मजबूत होना है। और डियर स्टूडेंट, अगर मैं बात करूं यहां पे, तो आप को 10 जो टॉप रैंकर होंगे बच्चे, वो अमेज़न का गिफ्ट वाउचर पाएंगे और 5 ऐसे लकी विनर होंगे जिनको एसएससी की किताब जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। और ये एजुकेटर आपको टेस्ट जो है वो समझाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, ज़रूर इनरोल करिए। 13 अगस्त को सुबह 11 बजे ये टेस्ट होने वाला है। अब सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको ये है कि प्यारे विद्यार्थियों, पूरे अगस्त में, यानी कि अगस्त में कोई भी ऐसा दिन नहीं है जब आपको मॉक टेस्ट नहीं देने का मौका मिल रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, जो वीकेंड संडे है, संडे के दिन आपको फुल लेंथ टेस्ट मिल रहा है। जैसे मैं बात करूँ तो अगला संडे 13 अगस्त को है, उस यहाँ पे आपको फुल लेंथ दूसरा फुल लेंथ टेस्ट मिलेगा जिसमें आप अपनी तैयारी की जाँच कर सकते हैं। 20 अगस्त को उसके बाद का फुल लेंथ टेस्ट है बच्चे, जिसमें आप अपनी तैयारी की और अच्छे से जाँच कर सकते हैं। मान लो 13 अगस्त को आपने कोई कमी रह गई, तो 20 अगस्त को होने वाले टेस्ट में आप वो कमी पूरी कर सकते हो। अगर यहाँ कमी रह गई, तो 27 अगस्त को होने वाले टेस्ट में अपनी कमी पूरी कर सकते हो। साथ ही 14, 15, 17, 18, फिर 21, 22, 24, 25, ये सभी जो है वो मिनी मॉक टेस्ट हैं। यहाँ पे आप अपनी तैयारी जो है वो मिनिमम जो मतलब क्राइटेरिया होगा उसमें कर सकते हो। ठीक है, और PMYT डिस्काउंट कोड यूज़ करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, एक बार इनरोल जरूर करो और टेस्ट देके अपना जो है वो चेक करो कि आप अभी कितने तैयारी आपको करनी बाकी है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर हम बात करें CHSL 2023 का जो एग्जामिनेशन चल रहा है, प्री का टीयर 1 का एग्जामिनेशन, इसको लेके एक इन्फॉर्मेशन नोटिस जारी की गई थी सेंट्रल रीजन की तरफ से, SSC CR की तरफ से एक नोटिस जारी की गई थी, जिसमें ये लिखा गया था कि टेक्निकल इशू की वजह से थर्ड शिफ्ट का एग्जामिनेशन CHSL का 2023 का वो कैंसिल हो गया है 8 यानी कि 8 सितंबर को होने वाला, सॉरी 8 अगस्त को जो पेपर हुआ था, उस पेपर में जो थर्ड शिफ्ट का पेपर है वो कैंसिल कर दिया गया। और दो पता यहाँ पे दिए गए हैं, लखनऊ रोड प्रयागराज में एक जो श्री गणेश कॉलेज ऑफ आईटी एंड मैनेजमेंट है, दूसरा पता है आईटेक जोन सुनीता सिंह सीता सिंह महिला महाविद्यालय, ये आपका जो है दोनों ही क्या है आपको यहाँ पे कैंसिल कर दिया गया है। अब इनके जो थर्ड शिफ्ट के एग्ज़ाम होंगे वो कब होंगे, कब कंडक्ट कराए जाएंगे, इसके बारे में अभी कोई इन्फॉर्मेशन SSC की तरफ से नहीं है। इसमें ये लिखा गया है कि बच्चे, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराना होगा, तो आपको नोटिस के थ्रू बता दिया जाएगा। एक नोटिस आपके एग्जामिनेशन को के से रिलेटेड आपके ईमेल आईडी या फिर आपके रजिस्टर्ड फ़ोन पे नंबर पे जो है मैसेज के थ्रू चला जाएगा, ताकि आपको पता चल जाए। प्यारे विद्यार्थियों, जो ऑफर चल रहा है उसका फ़ायदा अगर आप उठाते हैं, अगर आप एडमिशन लेते हैं, तो आपको जो है 24 CGL की तैयारी करने के लिए यहाँ पे आपको मौका मिल सकता है। यहाँ पे जो फुल ऑल इंडिया रैंकर्स बैच है, ये बैच में आप इनरोल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सिलेबस पूरा कवर कराया जाएगा, 400 घंटे की क्लासेस होगी और ये जो ड्यूरेशन होगा वो 4 महीने का होगा। ऐसे अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 24 महीने का मिलता था, अब ये 6 मंथ ऐड कर लीजिए तो
30 मंथ हो गया, यानी कि ओवरऑल 30 महीने तक आपको ये सब्सक्रिप्शन मिलता था मिलेगा। तो इस ऐसे बहुत सारे बैचेज में आप इनरोल कर सकते हैं अगर आपकी तैयारी अच्छे तरीके से एक बैच में नहीं हो पाती है। तो CPO की जो तैयारी है बच्चे वो यहाँ पर कर सकते हो क्योंकि नोटिफिकेशन आ चुका है और CPO में आपको यहाँ पर मेहनत करके इस बार अच्छा परफॉर्म करना है। तो उसके लिए आप CPO 2023 में इनरोल कर सकते हो इस बैच में, एम बैच में, PMYT डिस्काउंट कोड यूज़ करके। और बच्चे आपको यहाँ पर साथ साथ नोटिफिकेशन जो है वो मिलेगा, नोट्स मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। नोट्स किसका मिलेगा बच्चे, ये दो फॉर्म में मिलेगा, PDF फॉर्म में और प्लस बुक के फॉर्म में, दोनों ही फॉर्म में आपको नोट्स यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आपको सुविधा ना हो। सपोज़ दैट आप बाहर कहीं चले गए किसी इंपॉर्टेंट काम से, तो आप आपके पास जो PDF का नोट्स होगा वो होगा, जिससे आप अपनी पढ़ाई जो है वो कर सकते हो कहीं भी कभी भी, ठीक है, अपने रिवीजन कर सकते हो। सो उम्मीद है कि आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। बाकी डियर स्टूडेंट कोई भी परेशानी हो तो आप अपना मैसेज कर सकते हैं अनअकैडमी ऐप पे डाउनलोड करके किसी भी एजुकेटर को, वो वहाँ पे आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। फ्री लाइव क्लासेस भी बहुत सारी चलते हैं तो उसमें आप इनरोल करके पढ़ाई कर सकते हैं। सो उम्मीद है आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट मिलते हैं हम लोग कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए। इस बार 2023-24 में आपको सिलेक्शन लेना है चाहे जो भी हो जाए, ठीक है, आपको कितनी भी मेहनत करनी पड़े आपको इस बार सिलेक्शन प्यारे विद्यार्थियों लेना है। तो इसी उम्मीद के साथ हम लोग बढ़ते हैं आगे और मिलते हैं कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।